क्योंकि आ गए हैं ग्रिम एफसी वाले अपना कमाल दिखाने। लाए हैं एक नया मूव जिसे अब तक कोई गोलकीपर रोक नहीं पाया है, वो है गोस्ट ट्रेन। चलो और पता लगाएं। कोच बेलमाउंट, आपने गोस्ट ट्रेन मूव के बारे में कैसे सोचा? मैंने नहीं सोचा। ग्रिम के लंबे इतिहास में हर एक मैनेजर ने अपने फुटबॉल नॉलेज को एक प्राचीन ताकतवर के दांत में रखा है। ये है टेक्टिनोमिकॉन। कोई प्लीज वो खिड़की बंद करेगा। सॉरी। कुछ ज्यादा ही था। वो गोस्ट ट्रेन मूव सुनने में कुछ मत कहना डूड, डरावना है। क्यों? सच में? हमें गोस्ट ट्रेन को रोकने के लिए गोली की जरूरत होगी ना। हाँ, बो को गेम से पहले छुट्टी क्यों मिल गई? गोली बो अभी गोस्ट ट्रेन के लिए टॉप सीक्रेट तैयारी कर रहा है, वही हमारी इकलौती उम्मीद है उनके खिलाफ। I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the night, and now I'm gonna be a fighter. One, two, three, I'm a super striker. Striker. सुपर स्ट्राइकर्स के साथ खेला ग्रिम एफसी के लिए पर्सनल माना जा सकता है? आखिर गोली बो ने गलती से आपके मशहूर स्ट्राइकर स्पाइक डॉसन को जख्मी जो किया था। बिल्कुल भी नहीं। स्पाइक डॉसन एक महान खिलाड़ी था, पर उसके गंदे बर्ताव ने इस क्लब के नाम पर धब्बा लगाया। मुझे खुशी है अब उसका कहीं कोई पता नहीं। ऐसा तुम्हें लगता है? मेरी खूबसूरत ट्रॉफीज, पर मेरा कलेक्शन अभी भी अधूरा है। पर ज्यादा देर तक नहीं, जल्द ही मैं बो का करियर खत्म कर दूंगा जैसे उसने मेरा किया था, और फिर उसके ग्लव्स बनेंगे मेरी आखिरी ट्रॉफी। स्पाइक, मैंने तुम्हारे लिए मीठे रोल्स बनाए हैं। मॉम, बदले की प्लानिंग करते वक्त मुझे डिस्टर्ब मत करो। खबरदार, तुम मुझे कभी ऐसा उल्टा जवाब दिया। सॉरी मॉम। आपका इस गोली केव से बाहर निकलने का कोई इरादा है सर? आप काफी वक्त से अंदर बंद हैं। उसका फायदा हुआ है अल्बर्ट, मैं समझने लगा हूँ ग्रिम का नया मूव कैसे काम करता है। वो सब एक साथ जुड़े रहते हैं ताकि बॉल की पोजीशन का पता ना चले। गोलकीपर को पता ही नहीं चलता शॉट कहाँ से आएगा। अगर मुझे घोस्ट ट्रेन को मात देनी है तो मेरी पोजीशनिंग और रिफ्लेक्सेस एकदम ही सही होना चाहिए। और आप ये कैसे करने वाले हैं सर? क्वाड कैनन से। मैंने ग्रिम एफसी से कहा था वो मेरे बिना कुछ नहीं होंगे, खासकर जब मैं चुरा लूंगा उनका अनमोल टेक्टिनोमिकॉन।
अब जरा जाकर मिला जाए गोली से। माम, मैं अटक गया। फिक्र मत करो बेटा, मैं थोड़ा सा घी ले आती हूँ, उससे तुम पल भर में ही वहाँ से निकल जाओगे। Activate quad cannons. Quad cannons activated. हाँ हाँ, मैं चल कर आ रहा हूँ, उड़ कर नहीं। क्या तुम कुछ मीठे रोल्स खरीदना चाहोगे बेटा? मजेदार। अंदर आइए, मैं मीठे रोल्स को ना नहीं कह सकता। ओह, थैंक यू बेटा। ट्रेन को मार दे दी 100%। क्वाड कैनन्स जा रहे हैं स्लीप मोड में। अल्बर्ट, क्या तुम हो? क्वाड कैनन्स फिर शुरू। स्पीड बढ़ाई गई है। खतरा, चोट का खतरा है। बंद करो, बंद करो। डिस्कनेक्ट हुआ, शटडाउन शुरू। प्लीज ऑथराइज क्वाड कैनन टेक्नीशियन से संपर्क कीजिए। मेरी प्यारी ट्रॉफी। ये बदले वाली बात अब पुरानी हो गई है स्पाइक। मैं नहीं रुकूंगा जब तक मेरे करियर को पूरी तरह खत्म नहीं कर देते। मैंने कहा था ना, पुरानी। पर मुझे चोट नहीं लगी, तुम्हारा प्लान फेल हुआ। ऐसा तुम्हें लगता है, पर सिर्फ एक तुम ही नहीं हो जो जानता है सारे एंगल्स। गोली बो। एक्सक्यूज मी सर, जरा मेरी मदद करेंगे? मुझे माफ कीजिए सर, उस बूढ़ी औरत ने मुझे धोखा दिया झूठ और मीठे रोल का लालच देकर। वो कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, वो था स्पाइक डॉसन। स्पाइक डॉसन? इतने अरसे के बाद, तो अब हम उसके बारे में क्या करें? अभी के लिए कुछ नहीं, मुझे कल के गेम से पहले आराम की जरूरत है। तुम अपने दोस्त के साथ खेल चुके स्पाइक। दोस्त नहीं, दुश्मन मॉम। गोली बॉम मेरा जानी दुश्मन है, और मैं जो गेम खेल रहा हूँ वो तो अभी शुरू हो रहा है। सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड, मेरे पास कुछ जानकारी है टेक्टिनोमिकॉन के बारे में। गुड मॉर्निंग सर, अच्छी नींद आई? हाँ, मैं घोस्ट ट्रेन को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। कोई मीठे रोल मत खरीदना, ओके? आप भी ना सर। मैं हूँ एजेंट वन। मैं हूँ एजेंट टू। हम है सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड से। मुझे अभी कोई नंबर नहीं मिला है, पर अगर मैंने केस सुलझाने में मदद की तो वो मुझे मिल जाएगा। अपनी एजेंट रूल बुक पढ़ना सीखिए। रूल 4.73, एक सुपर लीग एजेंट हमेशा शांत रहता है, इससे दिमाग साफ रहता है और सामने वाला हमेशा हमारी बात पर ध्यान देता है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ जेंटलमैन? हमें एक टिप मिली है कि टेक्टिनोमिकॉन की चोरी में गोली बो का हाथ है। पर सिर्फ एक तुम ही नहीं हो जो जानता सारे एंगल्स, गोली बो। यानी स्पाइक मुझे चोट नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि वो मुझे फंसा रहा था। क्या हम इस जगह की तलाशी ले सकते हैं? hmm.
आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस गुनाह में गोली बो का हाथ है? हमें एक फोन आया था। वैसे भी गोली बो का सामना गोस्ट ट्रेन से है, इसीलिए वो किताब चुराने का फायदा सबसे ज्यादा उसी को है। मुझे मिल गई। मुझे मिल गई। आराम से जूनियर, रूल 1.7, एक सुपर लीग एजेंट कभी मुस्कुराता नहीं। इस पर कुछ चिपचिपा सा लगा है, वही चीज जो ग्रिम वालों की बस में थी। गोली बो हमारा सबसे पहला सस्पेक्ट है। स्ट्राइक लैंड में इसी वक्त पहरा लगा दो। स्पाइक ने जरूर कल रात टेक्टोनोमिकॉन को यहां रखा होगा। वो मुझे टीम से निकलवाना चाहता है। तो अब हम इसके बारे में क्या करेंगे? मुझे खुद को बेगुनाह साबित करना होगा, पर फर्ज पुकार रहा है वो गेम। सर आप जानते हैं, फिर भी आपको बता देता हूं, एक फुटबॉल पिच पर छिपने की कोई जगह नहीं होती। शायद मुझे छुपना ही ना पड़े। लो ये रही सुपर लीग एजेंट की रूल बुक। मेरे पास एक प्लान है जिससे मैं खेल पाऊंगा, उस घोस्ट ट्रेन को रोकूंगा और साबित करूंगा कि स्पाइक ने मुझे फंसाया है। ये प्लान सुनने में तो अच्छा लग रहा है सर। स्ट्राइक लैंड में मैच शुरू होने वाला है और भयानक ग्रिम फैंस स्टेडियम में आना शुरू हो गए हैं। पर वो सब असली टीम के मुकाबले कुछ भी नहीं है। पर अब तक की सबसे अजीब बात यह है कि सुपर स्ट्राइकर शुरू कर रहे हैं अपने नंबर टू गोली नोहम मर्डॉक के साथ। अगर कोई गोली उस गोस्ट ट्रेन को रोक सकता है तो वो गोली बो ही है। सुन रही हो ब्रेंडा? चुक 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 चुक। लो आ रही है गोस्ट ट्रेन। बॉल कहाँ है? पता नहीं डूड। सुपर स्ट्राइकर्स को इससे बड़े गोली की जरूरत है। रुक जाओ, हम किसी को ढूंढ रहे हैं जो तुम जितना लंबा है। जाने दो, आगे बढ़ो बच्चों। एक और गोल कीपर बन गया शिकार गोल ट्रेन का। मुझे माफ करना दोस्तों, मैं कुछ नहीं कर पाया। कोई बात नहीं दोस्त, कोई भी गोल ट्रेन को रोक नहीं पाया है अब तक। गोली बो, तुम कहां रह गए थे दोस्त? वो स्पाइक ने मुझे टेक्टोनोमिकॉन की चोरी के इल्जाम में फंसाया है और अब मैं उन एजेंट से छुपता फिर रहा हूँ। वैसे अभी मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर क्या तुम्हें गोस्ट ट्रेन को रोकने का कोई रास्ता मिला गोली बो? फिक्र मत करो दोस्तों, मैं सारे एंगल्स जान गया हूँ। जरा एक मिनट, अगर तुम्हें गोस्ट ट्रेन को रोकना आ गया है तो सबको यही लगेगा कि तुमने टेक्टोनोमिकॉन चुराया है। ये बात कुछ अजीब लगेगी दोस्त। अगर तुम्हें बचना है तो तुम जानबूझकर उनका गोल हो जाने देना। हाँ, कुछ चीजें फुटबॉल से ज्यादा जरूरी होती हैं। या नहीं? मैं स्पाइक डॉसन को जीतने नहीं दूंगा। मैं फील्ड पर जाऊंगा और उस घोस्ट ट्रेन को रोक कर रहूंगा। पर तुम पिच पर जाओगे कैसे दोस्त? यहाँ हर तरफ सुपर लीग एजेंट्स फैले हुए हैं। थोड़े से लक और थोड़ी सी मदद लेकर सुपर लीग रूल बुक से। सुपर स्ट्राइकर्स के फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि नोहम मर्डॉक को वापस बुला लिया गया है। और बुरी खबर ये है मैट कि उसके पति कोई नहीं आया है। सुपर स्ट्राइकर्स सेकंड हाफ को बिना गोलकीपर के ही शुरू कर रहे हैं। गोली बो, वहीं रुक जाओ। रूल 54.72, सस्पेक्ट को समझो। तुमने अपने करियर को दांव पर लगाया गोस्ट ट्रेन को रोकने का तरीका सीखने के लिए। तुम किसी भी तरह गेम में जरूर आओगे। तुम सबको गलत फहमी हो रही है, मैंने टेक्टोनोमिकॉन नहीं चुराया था, मुझे स्पाइक डॉसन ने फंसाया है। खुद को हमारे हवाले कर दो, अब भागने का कोई फायदा नहीं, ना ही छिपने का। हम
मुझे छिपने की कोई जरूरत नहीं। रूल 7.94। बताना मत, मैं ये वाला जानता हूँ। सुपर लीग एजेंट्स का फील्ड पर जाना सख्त मना है गेम के दौरान। पर ब्लैक एंड सैवेज ने गोल करने का इरादा कर लिया है। गोली बोहम से बचकर निकल गया। मैं चाहता हूं कि गेम खत्म होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गोली बो के ग्राउंड पर वापस आने से क्या सुपर स्ट्राइकर्स अब ग्रिम को मात दे पाएंगे? वो तो अभी पता चल जाएगा ब्रेंडा। ठीक है। चलो साथियों, गोली बो ने इस टीम के लिए खतरा मोल लिया है, हमें उसका पूरा साथ देना होगा। ठीक है, गोल हो गया है। ये गलत हो रहा है, गोलीबो चीटर है। आपको स्पाइक डॉसन तो याद है ना? गोलीबो ने कहा ये सब उसका किया है। कुछ भी, स्पाइक डॉसन का कोई पता नहीं है। हेलो, कोई है क्या? क्या कहा? तुम कानून से छिपते फिर रहे हो? ओ, तो फिर मैं खुद ही अंदर आ जाता हूँ। मैंने कब से इस पल का इंतजार किया है। गोली बो के रास्ते से हट जाने के बाद अब मैं अपनी ट्रॉफी ले सकता हूँ। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ग्रिम एफसी फिर से अटैक पर इस बार उनके और गोल के बीच खड़ा है महान गोली बो। हाँ, वो खेल रहा है, वो ग्लव्स मेरे होकर रहेंगे। अब तक सब ठीक हुआ, इसके बाद सब कुछ आप पर है सर। गोली बो अपनी टीम को बराबरी पर ले आया है, पर उसका असली चैलेंज तो अब शुरू होने वाला है, वो गोस्ट ट्रेन। यकीन नहीं होता मैं ये कह रहा हूँ, पर उम्मीद करता हूँ वो ये ना कर पाए। मैं तुम्हारा मतलब समझता हूँ दोस्त। कभी तो कुछ नया बोलो बच्चे। ठीक है। मीठे रोल्स, कुरकुरे मजेदार मीठे रोल्स, ले लो, ले लो गर्मा गर्म रोल्स। मिल गया। गेम में कुछ ही वक्त बचा है, क्या गोली बो वहाँ टिक पाएगा या वो भी गोस्ट ट्रेन का शिकार हो जाएगा? मुझे स्पाइक को बाहर खुले में लाना ही होगा, वरना मेरी खैर नहीं। पर कैसे? मेरी प्यारी ट्रॉफी। पोजिशनिंग और रिफ्लेक्सेस को एकदम सही होना होगा। गोली वो अपने ग्लव्स उतार रहा है, सच में वो दिखा रहा है कि वो किसी से नहीं डरता। गोली वो इस बदतमीजी की कीमत चुकाएगा। ग्रेम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सैवेज का बढ़िया पास। अब ग्रिम एफसी और जीत के बीच सिर्फ गोली बो खड़ा है। क्या वो कर पाएगा?
क्या? लगता है वहाँ भीड़ में कुछ हलचल मची हुई है। हे, वो तो स्पाई डॉसन है ना? पकड़ लिया। क्या? गोली बो सच कह रहा था। सारे एजेंट्स आगे बढ़ो, स्पाइक डॉसन को पकड़ो। तुमने कर दिया गोली बो, कमाल कर दिया तुमने। थैंक्स दोस्तों। इस सदी की सबसे बड़ी फुटबॉल मिस्ट्री और मीठे रोल्स खाने का मौका, मैंने दोनों मिस कर दिया। शुक्र है गोली बो कभी कुछ मिस नहीं करता। हाँ दोस्त, जब तुमने कहा तुम सब एंगल्स जानते हो तो तुम सच कह रहे थे। वो इसके अंदर फिट कैसे हुआ होगा? रोल बनाने का की ईव। वैसे ये तो वही चीज है ना जो ग्रिम की बस और टेक्टोनोमिकॉन पर मिली थी। बहुत अच्छे जूनियर, तुम इसके हकदार हो। याद रखो बच्चे, एक सुपर लीग एजेंट कभी मुस्कुराता नहीं, पर इस बार हम इसकी इजाजत देते हैं। एजेंट 3 127। तुमसे कितनी बार कहा है कचरे में नहीं खेलते? सॉरी मॉम। तो फिर आ जाओ, अब घर चलते हैं।